सो गाइस वेलकम बैक टू अनइंड गेमर चैनल। तो यार आज के इस वीडियो के अंदर हम ब्रदर्स अ टेल ऑफ टू सन्स का गेम प्ले करेंगे। तो यार आज का ये पार्ट 5th है, इससे पहले हमने 4 और पार्ट बना दिए हैं। भाई क्या स्टोरी है, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाके वापस से उस प्लेलिस्ट को देखें और पार्ट 1st से वो तो देखें ताकि पूरी स्टोरी को आप कनेक्ट कर पाएँ। और आपकी सहूलियत के लिए मैं ये बता दूं कि हमने पिछले वाले पार्ट के अंदर और जो मिशंस करे थे तो एंड में क्या हुआ था कि हमें एक ये पैराग्लाइडिंग टाइप का ये चीज़ मिली, तो हमने क्या करा कि इसको दोनों मिलकर उड़ा रहे थे। दोनों जैसे मिलकर उड़ा रहे थे, जैसे हम एक गुफा सी से निकले, एक गुफा पहाड़ों के बीच में गुफा टाइप की सी थी, तो उसको हम चीरते हुए निकले। बहुत खोखली गुफा थी वो, जैसे कि आपने देखा होगा पिछले वाले वीडियो के अंदर। तो यार जैसे हम निकले तो नीचे से बहुत सारे पंछी आया और उसने जो इसकी विंग के ऊपर जो कपड़ा या फिर कागज़ जो भी लग रहा था उसको यार फाड़ के और चीरते हुए निकल गए ऊपर की तरफ। तो इससे इनकी पंखड़ियों में छेद हो गए थे। तो यार इसका जो पूरा ढांचा था, पूरा जो हमारा पैराग्लाइडिंग जिससे हम कर रहे थे उसका ढांचा था, पूरा का पूरा ख़राब हो गया था। और इसके बाद में इन दोनों भाइयों कुछ पता नहीं चल रहा था कि अब क्या करना है। तो यार इनको पास में ही अपनी मंजिल दिखाई दी, तो इन्होंने सोचा कि यहीं पर ही लैंड कर देते हैं। और वैसे भी यार आपको बात बता दूं कि हमें यहीं पर ही लैंड होना था इसके थ्रू। सो गाइस अब यहाँ पर उतरने के बाद में इन सब ने सोचा यार भगवान का शुक्र है कि हम बची गए, बस इतना इन सब के दिमाग में यार यही आया होगा। और यार अभी हम दोनों ने क्या करा कि जो ये रस्सी थी उसके अंदर जो पैराग्लाइडिंग हम जिससे कर रहे थे वो उस मशीन के अंदर जो रस्सी थी उसको पकड़ के हम दोनों ने अपनी कमर पर बांध दिया ताकि हम ये पूरा ऑब्स्टेकल्स पूरे के पूरे कर पाएँ और अपने आगे टास्क पे जा पाएँ और हमें नया टास्क मिल पाए। तो यार हम दोनों ने आपस में कमर में बांध ली है। तो यार मैं छोटा वाला भाई हूँ जिसने अभी तक झुला के रखा है इनको। इन भाई साहब के भी अंदर अलबेलापन है कि यार ये मानते ही नहीं है, इतना झूला झूल रहे हैं। देखो यार एक छोटा भाई एक ही बार में एक ही स्विंग में पहुंच गया दूसरे साइड में, ये तो बिल्कुल हाँ सावन के झोटे ले लो, हाँ सावन के झोटे चल रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि मान ही नहीं रहे, इतने झोटे लेते हैं यार। चलो अब हमें इसको साइड से पकड़ पकड़ के जाना होगा। तो यार अभी हम बिल्कुल छोर पर पहुँच गए, साइड से अब मेरे को झोटा लेने की बारी आ गई है। तो इस बार मैं झूठा लूँगा, आप मत झूठा लेने लग जाना, कहीं हम दोनों ही नीचे टपक जाएं। हाँ ठीक है, तो भाई मैं एक लंबा झूठा लेके ये पहुँच गया एक ही बार में, बस काम हो गया। अब आप लेना ज़रा एक बार, तो देखते हैं यार ये एक ही झूठे में। अरे भाई ये तो इस बार मेरे से भी ऊपर पहुँच गए यार, क्या खतरनाक झूठा लिया इन्होंने तो यार, एक ही बार में पूरा झूला झूल लिया इन्होंने अपनी ज़िंदगी का। भाई खतरनाक तरीके से ये झूठा लेते जा रहे हैं और मैं भी यार ऊपर की तरफ आ गया हूँ। अब मेरे को यार उस साइड के पे जाने का कुछ दिखाई नहीं दे रहा सीन। तो भाई अभी यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि यार अब कहाँ पर जाना है, कैसे करना है, क्योंकि यार अब हमें उस साइड में दिखाई नहीं दे रहा और इसके ऊपर तो चढ़ना शायद ही पॉसिबल हो। यार मेरे को तो यार नहीं लगता कि इसके ऊपर हम चढ़ पाएंगे, पर यार कोई बात नहीं, चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। वैसे एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है, तो एक बार ज़रा ऊपर चढ़ के देखते हैं। चलो भैया जी आप भी ऊपर आ जाओ और दोनों के दोनों मिलकर एक बार ऊपर चढ़ने की ट्राई करके देखते हैं। तो यार ये क्या हुआ अभी, ये ग्लिच मार गया था गेम यार पूरा का पूरा। तो यार ऊपर तो नहीं चढ़ पाए, पर यार उस साइड से हाँ, इनको पहले उस पर चिपट के फिर बाद में मेरे को स्विंग लेना था ताकि मैं इस वाले पे आ पाऊँ। तो यार ये सीन था, हम इसके ऊपर तो चढ़ नहीं पाए पर हम इसके साइड साइड से ही जाना था। तो भाई यहाँ पर अब कनाटे पर आ गया हूँ, तो इस बार मैं झूठा लेके जाऊँगा, ठीक है आप पकड़ के रखना, पकड़ के रखो। अभी मैं लेके जा रहा हूँ झूठा, एक लंबा सा भाई इतनी ऊंचाई वाली जगह पे ये झूठे ले रहे हैं ना, इतना खेल खेल रहे हैं, इनका देख के है ना मेरे को यार दिमाग ख़राब हो जाता है कि यार कितना खतरनाक चीज़ कर कैसे ले रहे हैं दोनों छोटे छोटे से भाई, ये ज़्यादा उम्र के भी नहीं लग रहे। तो भाई मैं तो यार यहाँ पर सबसे छोटा हूँ और इतना खतरों का खिलाड़ी हूँ, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे सबसे ऊपर यार मैं ही चल रहा हूँ। तो ये कमांडो वाली ट्रेनिंग पूरी हमारी हो चुकी है, तो ऊपर की तरफ चलते हैं। अब हम यहाँ पे अपनी रस्सी को खोलने का यार थोड़ा सोच विचार करेंगे। चलो यार रहन देते हैं, यहाँ पर क्या ही खोलेंगे, ऊपर ही चलते हैं फिर डायरेक्ट, क्या पता आगे भी हमें झूठे लेने का हमें अवसर मिले। तो यार फिर नहीं तो मिशन हो ही नहीं पाएगा, अगर हमने यहाँ पर रस्सी खोल डाली अपनी। तो भाई इसीलिए हमने निर्णय लिया कि अब हम रस्सी नहीं खोलेंगे, इसके ऊपर जंप करके अब हम साइड साइड से होते हुए चले। ओ भाई बच गया यार मैं गिरने से, नहीं तो यार गिर जाता, अच्छा हुआ रस्सी नहीं खोली थी हमने। अब कैसे हुआ यहाँ पे काम, भाई मैं चढ़ भी नहीं पा रहा और झूठे भी ढंग से यार आ नहीं पा रहा। तो यार ये काम कैसे हुआ यार, ये काम तो यार यहाँ पर हम अटक गए यार। भाई यहाँ से हम ऊपर कैसे जाएंगे, यहाँ पर मैं झूठे लेके भी जा नहीं पा रहा। तो हाँ ये सही किया बड़े भैया ने, वो पूरा लटका के ले चल रहे, वो बड़े खतरनाक है। इन्होंने कमांडो वाली ट्रेनिंग ली है, विद्युत जामवाल के गुरु रह चुके हैं। तो यार मेरे को उठा के सोचो यार, इतने बड़े वजन को उठा के लेके चल रहे हैं ये। तो चलो यहाँ से मैं भी अपनी कमांडो वाली ट्रेनिंग दिखा देता हूँ आपको। हे कमांडो ये हाँ आ गया,
अच्छा हुआ आंटी जी आपने ये पहन के रखा था, अगर आपने ये नहीं पहन के रखा होता तो हमारा ये आगे कैसे हो पाता। एक और लंबी स्वैंग और भाई बच गए। यार इतनी पुरानी मूर्ति है कि यार इन पे थोड़ी देर के लिए कोई इंसान भी खड़ा हो जाए तो गिर जाएगी। भले ही उसने पत्थर लेके रखा है अपने हाथ में, मूर्ति ने इतना भारी पत्थर लेके रखा है उससे मूर्ति नहीं गिरेगी। बस इतने थोड़े से यार 20-26 किलो से और ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है यार 60-70 किलो हो सकता है दोनों का मिला के, और एक छोटे का मिला के तो यार 20 किलो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 26 किलो होगा, बड़े का होगा ऐसे 45 किलो ज़्यादा से ज़्यादा। ये ज़्यादा भी बड़ा इंसान नहीं है क्योंकि यार इतने वजन में तो गिर जाएगी, पर उसने इतना बड़ा पत्थर लेके रखा था, वो खुद पत्थर की बनी हुई उस पर नहीं गिर सकती। यार क्या मस्त गेम है यार, बहुत ही मस्त गेम लगा मेरे को ये। तो यार इसकी कुंडी पे हम चढ़ जाते हैं सीधे, कुंडी मत खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ। हमें अंदर से एक आवाज़ आई तो इस वजह से हम इन बड़े हुक टाइप की चीज़ों पे यार जल्दी से अपने हाथ मार मार के जल्दी से पकड़ पकड़ के हम ऊपर अपना मिशन कर लेते हैं। यहाँ से जल्दी से भैया चढ़ेंगे और इस पे चढ़ने के बाद में एक बार झूठा मैं लूँगा और बीच वाली साइड पे पहुँचने की मैं पूरा ट्राई करूँगा। यहाँ पे मैं पहुँच भी गया हूँ तो ये यहाँ पर और मैं वहाँ पर, और जल्दी जल्दी से अब इस पत्थर पे चढ़ जाते हैं। तो यार हम बिल्डिंग के बहुत ही ज़्यादा टॉप वाले हिस्से पर आ चुके हैं, तो देखते हैं यार इस बिल्डिंग के अंदर क्या है और कैसी कैसी यहाँ पे आवाज़ें हैं अंदर से। आवाज़ तो यार कुछ नहीं आ रही यहाँ पे, बस हवा जैसी चल रही है। जैसे हम आखिरी वाली कुंडी पे थे यार, जब मेरे को बिल्ली की आवाज़ सुनाई दी थी इसी वजह से मैं सोचा, जैसी अभी सुनाई दे रही है आपको जैसे सुनाई दे रही होगी अभी, तो यार बिल्कुल सेम ऐसी आवाज़ मेरे को स्टार्टिंग यार थोड़ी थोड़ी आई थी जिसपे शायद आप सभी ने गौर नहीं किया होगा। तो यार चलो अब हम यहाँ पर इस बिल्डिंग के अंदर और घुसते हैं, देखते हैं यार अंदर कौन है जिसकी ये आवाज़ें आ रही हैं। यार मेरे को लग रहा बहुत छोटी सी बिल्ली होगी यहाँ पर जो इतना हल्ला कर रही हो, क्योंकि यार ये अब खाली जगह है और यहाँ पर आवाज़ गूंजेगी, खाली बिल्डिंग के अंदर आवाज़ गूंजने का तो बिल्कुल मतलब बनता ही है। तो भाई यहाँ पर भैया जी झोटे लेते हुए, तो ऐसा करते हैं इसके ऊपर ट्राई करते हैं। हाँ यहाँ पर मैंने सोचा था कि ट्राई करके देखते हैं, तो यार एज इट इज़ जैसे हमने ट्राई करने की सोची बिल्कुल वैसा ही निकला। हम इसके ऊपर चढ़े और हमने देखा इसके अंदर हमें जाने का यहाँ पे एक्सेस मिल गया था। तो यार यहाँ पे देख, अबे यार पट्टियाँ इतनी पुरानी होने की वजह से यार कमज़ोर हो गई हैं कि यार ये टूटे ही जा रही हैं, और यार इसको कैसे हम रोक सकते हैं यार, हम यहाँ पे तो हम ऊपर की तरफ हैं यार, कैसे रोक ही कैसे सकते हैं। तो हमें बस जल्दी जल्दी चलना होगा। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा शायद से इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए कि जैसे तुमने क्रॉस किया वैसे ही वो फट्टी गिर गई, अगर तुम उस जगह पे होते तो तुम भी गिर जाते और ये वाली गिर सकती। अभी इस बार तो अभी यही नहीं गिर जाए, बच गए बच गए। लग रहा है इस बार भी बस गेम वालों ने डराने की कोशिश करी थी। चलो अब हम ऊपर चढ़ के देखते हैं। भाई इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ, इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ यार, चढ़ता कौन है मेरे को तो ये नहीं समझ आता। खैर हाँ हमने बीच वाले पार्ट सेकंड के अंदर आपने देखा होगा कि यार हम एक राक्षस वाली जगह पर गए थे, तो यार शायद वो राक्षस इतने बड़े बड़े होते हैं तो वही इसका इस्तेमाल करते हों। तो हम बाहर की तरफ आ गए हैं विंडो के साइड में, तो यहाँ पे हम जल्दी से इन हुक को पकड़ के ऊपर चलते हैं और देखते हैं ऊपर हमें क्या देखने को मिलेगा। तो यार हमें कोई बिल्ली तो यहाँ पर देखने को मिली नहीं जिससे यार हम देखते और कहते कि यार हाँ यही आवाज़ दे रही होगी। तो भाई यहाँ पर ये झूठे ले रहे हैं भैया जी, तो यहाँ पर अरे हाँ तो जल्दी से इन्होंने पकड़ लिया, तो अब हम भी पकड़ के यार ये फट्टी को साइड में चलते हैं। भाई नीचे क्यों बैठे रह रहे हो, चलो जल्दी जल्दी चलो जल्दी जल्दी, लेट होने का काम नहीं है यहाँ पर, जल्दी जल्दी पूरा वीडियो बना डालो। तो हम यहाँ पर एक और नई जगह पर आ गए हैं। तो यार देखने से तो ऐसा लग रहा है ये दो बिल्डिंग को यार कनेक्ट करता था, ये यहाँ पर एक ब्रिज टाइप की कोई चीज़ थी, तो यार ये भी टूट गई है। यार यहाँ पर शायद ऐसा हुआ है कि कोई हमला हुआ है या फिर ये इतनी पुरानी हो गई कि अपने आप ही इनके अंदर कमजोरी आ गई, ऐसे जंग आ गई जैसे इस लोहे की जंजीर में एक साइड से, तो वो एक साइड से टूट गई तो, और लकड़ी के अंदर यार थोड़ी सीलन आके वो थोड़ी कमज़ोर होने के बाद मैं टूट गई। तो यार ऐसा ही कुछ हमें सीन लग रहा है, या तो ये पुरानी है या फिर यहाँ पर किसी ने बहुत बड़ा हमला करा है। तो यार यहाँ पर हमने रस्सी को निकाल दिया क्योंकि यहाँ पर अब इसके आगे हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यार इस बड़े चौड़े गेट के पीछे जाके देखते हैं यार ये कैसा कमरा बन रहा है। यार यहाँ से शायद से बिल्ली की आवाज़ आ रही है, ये बिल्ली यार मेरे को बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही है क्योंकि यार ये इतनी ख़तरनाक आवाज़ दे जा रही है, यार बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। थोड़ा भूतिया टाइप की सीन सर बन रहा है यहाँ पर। तो यार यहाँ पे खंडर बना हुआ है, यहाँ पे कोई पढ़ने वाला इंसान रहता था, इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुकें पड़ी हुई हैं। अच्छा तो ये आवाज़ दे रही है, तो ये चिड़िया थी, बिल्ली नहीं थी दोस्तों।
ये चिड़िया थी। तो यार यहाँ पर कैंडल भी जल रहा है यार इतने टाइम से, मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पुरानी होने की वजह से बिल्डिंग टूटी है, क्योंकि यार यहाँ पर कैंडल जल रहा है, कैंडल यार ऐसे नहीं जल पाता, कोई तो यहाँ पर जला कर गया होगा। तो भाई यहाँ पर ये पुरानी होने की वजह से बिल्डिंग ख़राब नहीं है, एक चीज़ तो हमें ये पता चली इस बिल्डिंग के बारे में। और ये जो किला है ये भाई इस वजह से ख़राब हो गया होगा, यहाँ पर शायद आक्रमण किया गया है, क्योंकि यार यहाँ पर कोई पढ़ने वाला इंसान रहता है वो पूरा कैंडल जला जला के पढ़ता रहता है यहाँ पर। भाई साहब इतना बड़ा बेड था, इतना बड़ा बेड कि भाई उस पर पूरा प्लेग्राउंड बना के मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ, इतना बड़ा बेड था यार, खतरनाक बेड है यार। और ये अबे यार इंसान है कि बच्चा है वे, एक चिड़ियाओं के बारे में पढ़ता रहता है, चिड़ियाओं की फोटो देखता रहता है, बच्चा है लग रहा है कोई। भाई ये चिड़िया बहुत ज़्यादा जख्मी हो गई है, अगर हम अपने काम पर आए अभी देखें तो यार चिड़िया बहुत ज़्यादा जख्मी हो गई है, इसको यार कैसे भी करके हमें निकालना पड़ेगा। तो हम कहाँ से यार इसकी हिम्मत कर सकते हैं, चलो इसके पार जा कर देखें कि यार ये दो कुंडे से लग रहे हैं, इस पर हम जंप कर करके ऊपर चढ़ के कुछ यहाँ से कुछ क्ल्यू मिल जाए हमें, कुछ करना हो यहाँ कहीं पर। तो भाई देखते हैं जहाँ जहाँ पे ये फट्टी और कुंडे जा रहे हैं, हम वहीं वहीं पे ये होते हुए चलते हैं। भाई ये तो कुंडा यहीं पर ही एंड हो गया, यहाँ पर क्या करना है इस कुंडे का। तो यार चलो पहले तो फट्टी को पूरा पार करके हम पूरे उस कुंडे पर आते हैं, जब देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो यार कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा जब भी इन गेम वालों ने यहाँ पर एक हमें ये बोल्ट टाइप का सा दे के रखा है। तो अच्छा यहाँ पर हमें इसको पकड़ना है, तो भाई ये पूरा नहीं खुला यार, ये कैसे खुलेगा। बड़े भाई यार कोशिश कर रहे हैं कि यार कैसे खोलें यार इसे, तो यार यहाँ से तो कुछ हो नहीं पा रहा, तो एक बार ज़रा वहाँ से ही देख लो कि वहाँ से क्या होगा, वहाँ से आप उठा के देख लो कि अब तो आपको ये उठाना हो, तो यार जल्दी से उठा लो, मैं तो यार वहाँ पे लटका हुआ हूँ अभी, बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, इतना पूरा भार लगा दिया जब जाके पिंजड़ा इतना सा ऊपर हो पाया, तो यार कितना भारी पिंजड़े के अंदर हो गया, ये चिड़िया कैसे निकल जाए इस भारी पिंजड़े में से अगर इतना ही भारी है। तो यार वहाँ पर पिंजड़े पर तो यार कुछ नहीं मिला, एक बार यहाँ पर, हाँ तो यार यहाँ पर ही हमें हमारा मिशन होना था, क्योंकि यार ये मेरा वजन तक मैं खुल नहीं रहा था, तो भैया ने अपना और वजन लगा दिया और लटक गए, तो उसकी वजह से पूरा पूरा पिंजरा खुल गया। यार हमने इस चिड़िया की बहुत मदद कर दी यार, ये चिड़िया अब थोड़ा सा मरते टाइम पर यार एंड के सांस अपनी खुली जगह पे जी सकती है। तो भाई क्योंकि यार वैसे भी बहुत जख्मी लग रही है हमें, तो यार चलो ऐसा करते हैं इसको सही करके देखते हैं, तो क्या पता हमारा इसमें काम हो इस चिड़िया को सही करना। भाई ये चिड़िया की चार टांगे हैं और उस चिड़िया की पूंछ भी आपने देखा ना, तो भाई चिड़िया हमें इशारा दे रही है, तो ये कहीं हमें बैठने के लिए कह रही है शायद। हाँ चलो बैठ गए हम यहाँ पर, मैं तो यहाँ पर बैठ गया, भैया जी आप भी बैठ जाओ यहाँ पर। तो भाई ये चिड़िया है क्या है, इसकी पूंछ भी है, चार टांगे भी हैं, ये तो बड़ी ही अलग चीज़ है, कहीं ये चूहा चिड़िया तो नहीं है, कहीं चूहीडिया तो नहीं है। तो यार ये चिड़िया बड़ा खतरनाक उड़ रही है, कितना मज़ा आ रहा है इस पर उड़ने में यार, भाई कितनी अच्छी दुनिया है यार ये। चलो यार इसने यहाँ पर चिड़िया ने हमें उतार दिया, तो ये भी यार बहुत मदद कर दी यार इस चिड़िया ने हमारी। तो यार चिड़िया बहुत यार दुखी दुखी लग रही है, ये बहुत बहुत दुखी वाली मूड में है, भाई ये मर ही गई शायद। यार ये होता है असलियत में मदद करना, तुम किसी की मदद करो तो यार दूसरा है ना तुम्हारे लिए जान भी देने के लिए तैयार है। तो यार ये जो मदद करने वाला सीन है यार ये चिड़िया का, मेरे को यार बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, भाई कितनी प्यारी चिड़िया थी, इसको तो पालने का मन कर रहा था इन दोनों भाइयों का, मेरा भी बहुत मन कर रहा था इस चिड़िया को कैसे भी करके पालूं, भले ही इसकी चार टांगें और एक पूंछ है। तो भाई यार इस चिड़िया को देख के इसको अपने पापा की याद आ गई, उसके पापा भी बहुत बीमार हैं जैसे कि ये चिड़िया बीमार थी अभी, तो यार उन्हीं के लिए औषधि लेने के लिए हम निकले हुए हैं। अगर आपने पहला पार्ट देखा, वो फर्स्ट वाला पहला पार्ट देखा होगा अगर ब्रदर्स का, तो उसके अंदर आपको पता होगा कि यार इसी वजह से हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो यार यहाँ पर तो इस बड़े भाई को यार अपने पापा की याद आ गई है, तो यार ये पंख ये बहुत ज़्यादा आंसू ला देने वाला काम कर रहा है इन भाइयों के आंखों में। तो यार यहाँ पे छोटा भाई यानी कि मैं इनको सांत्वना बना दे रहा हूँ, कैसे भी करके यार इस चीज़ को भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ, पर यार एक बार यहाँ पर थोड़ा सा शोक व्यक्त कर लेते हैं, थोड़ा मौन धारण करके यहाँ पे खड़े हो लेते हैं। आपको एक बात बोलूँ यार, आई लव दिस गेम यार, ये इतना इमोशनल और एडवेंचरस गेम है यार, इससे पहले मैंने यार इतनी बढ़िया स्टोरी गेम प्ले यार कभी नहीं करा यार, मेरे को यार ये गेम कुछ ज़्यादा ही एक लेवल ऊपर वाला लग रहा है। तो
आपको अगर ये गेम अच्छा लगा तो इसके लिए मैं अपने चैनल पे एक और नई वीडियो डाल दूंगा कुछ दिनों के अंदर कि यार हाउ टू डाउनलोड ब्रदर्स अ टेल ऑफ टू सन्स बिल्कुल फ्री में। तो यार बिल्कुल ओरिजिनल साइट बताऊंगा, ओरिजिनल आपको सॉफ्टवेयर बताऊंगा जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो ये ज़्यादा बड़ा गेम भी नहीं है तो हर कोई इसे डाउनलोड कर पाएगा, ये जैसे ऐसे 2-3 GB का ही गेम है बस। तो भाई अनएंडिंग गेमर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करना, और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।